हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बनाऊंगी मैं मशरूम की मसालेदार सब्जी ग्रेवी वाली। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है मशरूम, 200 ग्राम मैंने मशरूम लिया है, दो मीडियम साइज़ के ओनियन, टमाटर, 1 इंच अदरक की टुकड़ा, लहसुन की कुछ कलियाँ, एक हरा मिर्च, थोड़ी सी काजू, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सब्जी मसाला 1.5 चम्मच, हींग 1/4 स्पून, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, तड़के के लिए जीरा। तो सबसे पहले हम टमाटर का पेस्ट बना लेते हैं। तो ये टमाटर ले लेंगे इसमें जार में। काजू, काजू, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक। अब इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये मशरूम मैंने काट लिया है 2 टुकड़ों में। आप अपनी मर्जी से जैसा चाहें वैसा शेप काट सकते हैं, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े। और ये टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है, टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्च और थोड़ी सी काजू। अब इधर फ्लेम ऑन कर देते हैं, कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गरम हो जाए उसके बाद इसमें। कढ़ाई गरम हो गया है, अब इसमें तेल डाल दूंगी। ये लगभग 3 टेबल तेल है, मैंने सरसों का तेल लिया है। बाकी आप जो भी तेल यूज करते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल गरम होने के बाद फ्लेम कम कर लेंगे। अब इसमें जीरा डाल देती हूँ। अब जीरा ये तड़क गया है, उसके बाद इसमें प्याज। अब ये प्याज 1 मिनट भून लिए हैं मैंने। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। इसे कंटिन्यू चलाते रहें, नहीं तो मसाला जल जाती है। सब्जी मसाला 1 मिनट इसे भून लें, उसके बाद टमाटर प्यूरी डाल देंगे। चलाते हुए इसे भूनते रहें, नहीं तो चिपक जाती है, नीचे जलने लगती है मसाला। फ्लेम मीडियम रखें। मसाला तेल छोड़ने लगा है, इसमें नमक डाल दूंगी आवश्यकता अनुसार और हींग। तेल छोड़ने लगा है, ये देखिए ये हमारा मसाला भून चुका है, तेल छोड़ रही है साइड साइड से इस तरह से। ये देखिए तेल छोड़ रहा है। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी डाल देंगे। ये मसाला, अब इसमें हम मशरूम डाल देंगे। मशरूम डाल के और इसे ढक के 5 मिनट पका देंगे। और मशरूम में ऑलरेडी बहुत पानी छोड़ता है, इसीलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला है। अब इसे ढक के पका लेंगे इस तरह से, बीच बीच में इसे चलाते रहें, नहीं तो नीचे से चिपक जाती है, जल जाती है। ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा मशरूम की मसालेदार ग्रेवी वाली सब्जी रेडी हो चुका है। और अगर हमारा रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।